जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद और कामना करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एप्स अपडेट लगाना, जैसे कि प्ले स्टोर से ऐप कैसे अपडेट किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग नया फ़ोन लेते हैं या नया नया फ़ोन यूज करना शुरू करते हैं या फिर ज़्यादा फ़ोन से लगाव नहीं रखते हैं, तो ऐप्स अपडेट आने पर उनको समझ नहीं आता है कि कैसा नोटिफिकेशन है। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे फ़ोन पे जैसे प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर कुछ देर तक प्रेस करके रखना है दोस्तों, या जैसे तरीका किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर आप लगा सकते हैं। तो प्ले स्टोर को कुछ देर तक प्रेस करके रखने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो इंटरफेस आया है, ऐप इन्फो, रिमूव और माई ऐप का, तो माई ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। माई ऐप्स पर क्लिक करने के बाद आपको जो कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है केवल अपडेट्स अवेलेबल करके जो ऑप्शन होगा उस पर। अपडेट्स अवेलेबल में जो है सी डिटेल्स पर अगर आप जाते हैं तो आपको दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए 7 अपडेट्स पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसमें सी डिटेल्स पर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। मान लीजिए कि आपको कोई ऐप अपडेट करना अनिवार्य है और आपके पास इंटरनेट कम है, तो आप उस पर्सनली उस अपडेट को टच करिए और वो अपडेट लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे जीमेल को अपडेट करना है, मैं जीमेल के साथ जो अपडेट लिखा हुआ है इस पर टच करूंगा तो जीमेल अपडेट लग चुका है। और अगर आप सभी ऐप्स को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसको बारी बारी से भी टच कर सकते हैं, वरना अपडेट ऑल का ऑप्शन भी छू सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आता है या आपके फ़ोन में इस प्रकार का फंक्शन नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक और तरीका है और उसको वीडियो को हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।